हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, बाजीगर मैं बाजीगर ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज भी आ रहे हैं। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ वीडियो को शूट कैसे करना है और एडिट कैसे करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले ओरिजिनल साउंड को म्यूट करेंगे। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है। फर्स्ट क्लिप का वीडियो आपको कुछ इस तरह से शूट करना है। सिंपल आपको लेफ्ट साइड राइट साइड देखना है और कैमरा की तरफ आपको हाथ मारना है। तो सिंपल मैं प्ले करता हूँ। सिंपल मैंने देख सकते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड करके देखा हूँ और कैमरा की तरफ 2 से 3 बार हाथ मारा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे कि लग रहा है हमारा कपड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कपड़ा यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। फिर से मैंने कोशिश किया कपड़े चेंज करने के लिए, नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको करना क्या, फिर मैंने बोला 1 मिनट वेट कीजिए, इसके बाद आगे की तरफ लेके जाना है। इसके बाद कुछ इस तरह से मैं देखना है आपको, ध्यान से यहीं पर सीन है। आपको पीछे की तरफ आना है, कुछ आगे की तरफ एक्टिंग करना है, ठीक है। पकड़ा शॉट मैंने कुछ इस तरह से यहाँ से पकड़ने के स्टार्ट किया हूँ। इसके बाद लेफ्ट साइड के पार्ट को एक्स्ट्रा कर रिमूव करेंगे, पकड़ा, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ गया, पीछे की तरफ, कुछ इस तरह से आपको वीडियो शूट कर लेना है फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर के सीन कहाँ तक का चाहिए, सिंपल आगे की तरफ के, जैसे हम पीछे की तरफ जाते हैं बस जाने का सीन चाहिए आपको। अलावा इसके बाद लेफ्ट का पार्ट को बिल्कुल नॉर्मल कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे कि लग रहा है पीछे की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो जैकेट वगैरह तो आपको चेंज कर लेना और सेम उसी पोज में आपको पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। आपको देख लेना, मैंने 1 से 2 बार ट्राई करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। आपको इसे 1 से 2 बार ट्राई कर लेना है, ठीक है। पीछे की तरफ गए, आगे के सीन जैसे आते थे हमारा कपड़ा चेंज होना चाहिए। इस पोजीशन में मैंने पीछे की तरफ गए थे। इसके बाद एक्स्ट्रा जो लेफ्ट साइड का पार्ट है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे, ठीक है। अब देख दिखाता हूँ, मैं प्ले करता हूँ वीडियो एक बार। इस तरह से आपको सिंपल अब लग रहा था, इससे लग रहा है ना कि आपका कपड़ा चेंज हो चुका है। तो कुछ ये वीडियो भी टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट करते हैं। इसके बाद जो भी इसमें आपको एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है तो एक्स्ट्रा पार्ट को बिल्कुल आसानी से आप ट्रिम टू राइट लेफ्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह इसमें आप देखे होंगे यहाँ पर पाउडर इफेक्ट आपको मिलने के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पाउडर इफेक्ट आपको डालना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ। सिंपल वीडियो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है, जहाँ तक आपको लोगो जो दिख रहा है लोगो आपको रिमूव करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्रोमा की का, इसे इनेबल करना है और इसे आपको लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। आप देख सकते हैं आपका जब से जग रहा है कि यहाँ पे पाउडर इफेक्ट कुछ इस तरह से जाना है। आप देख सकते हैं आपको पाउडर इफेक्ट कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके बाद स्क्रीन स्क्रीन वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कलर फिल्टर का, इसे आपको ब्लैक एंड वाइट कर देना है। वीडियो आपका तैयार हो चुका है। एयर पर आना है, मीडिया पे आना है और यहाँ पर आपको एक साउंड ऐड करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ। सिंपल कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, स्ट्राइक आइडियो कर देना, वीडियो क्लिक करेंगे इसे डिलीट कर देना है। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट ऑफ करना है, शेयर पर क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।